ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली के मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। हमने पांचवें मंत्र का पाठ किया था, य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमंतिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत्। और इसका अर्थ कुछ देखने का प्रयत्न किया था। कहा है यहां पर कि जो यह यानी जो व्यक्ति, जो साधक इमं इस मध्वदम मधु अदन करने वाला, मधु को खाने वाले को आत्मानम आत्मा को अंतिकात जीवम जो आत्मा व जीव है, आत्मा जीव यानी जो प्राणादि धारण करने वाला है उसको जानता है, अंतिकात निकट से जानता है, और उसे ईशानम भूत भव्यस्य भूतकाल और भविष्यकाल उन सब का जो ईश्वर है नियंता है उसको जो जानता है वह उसके बाद विजुगुप्सा नहीं करता, वह उसके बाद में किसी से द्वेष नहीं करता, भय इत्यादि नहीं करता। इस पर थोड़ी सी चर्चा पिछली बार हुई थी। यमराज नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया है उन्होंने। यमराज नचिकेता जानना चाहता था मृत्यु के बाद क्या होता है, और यमराज ने कहा था उस आत्म तत्व को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं यमराज कि वह आत्म तत्व मरता नहीं, न जायते न म्रियते, कभी जन्म नहीं लेता, मरण नहीं होता इत्यादि। और उसी आत्म तत्व को, क्योंकि यह अत्यंत गूढ़ है, समझना उसको कठिन है, इसलिए उस आत्म तत्व को नाना प्रकार से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहां पर कहा था और हमने इस पर थोड़ा सा विचार किया था, मध्वदम मधु अदम जो मधु को भक्षण करता है, खाता है, और शंकराचार्य इस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं मध्वदम यानि कर्म फल भुजम, कर्म फल का भोग करने वाला। तो यह जीव यह प्राणी, जीव यानि प्राणादि कलापस्य धारयितारम्, प्राण आदि कारण कलाप, प्राण आदि क्रिया कलाप को जो धारण करता है, जीव में प्राण है, हम आहार करते हैं, मूवमेंट करते हैं, नाना एक्टिविटीज हमारे प्राणों की होती है, पंच प्राण कहे गए हैं, जिससे हमने भोजन किया, पचाया, सारे शरीर में जो मूवमेंट हुआ और कुछ एक्सक्रीशन हुआ, ये सब पंच प्राण की प्रक्रियाएं हैं। तो ये प्राण जिस जीव में है, जिसे प्राणी कहा जाता है, उसे जीव कहते हैं। तो शंकराचार्य उसको जीव के लिए यह कहते हैं, वह कौन है, वह मध्वदम है, कर्मों का भोग करता है। और हम सब कहते हैं, कल योग सूत्र की व्याख्या में भी मैंने कहा था कि हम
कर्म जो हमारे प्रारब्ध कर्म है उनके सारा गॉड गवर्न होते हैं। तो कर्मों के कारण हमें सुख दुख मिलता है। अगर पाप किया हो तो उससे हमें दुख मिलेगा, पुण्य किया हो तो सुख मिलेगा। तो ये पाप पुण्य के सुख दुख हम सहन करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको कहा मद्वद। अब मधु क्यों कहा, इस पर मैंने पिछली बार चर्चा की थी कि जो सुख शुभ फल मिले, अगर सुख मिले तो कि अच्छा है, मधु इज प्रेजेंट। लेकिन जो अशुभ है, अशुभ फल किया, अपने हमने बुरा काम किया, तो उससे हमको दुख मिलेगा। पाप का फल दुख होता है। तो यह जो दुख है फल, यह को मधु तो नहीं कहा जा सकता। इसके उत्तर में कहते हैं कि जो विद्वान है, ज्ञानी है, जो महात्मा संत है, वो जब दुखपूर्ण फल होता है जीव को, जब दुख मिलता है पाप, तो उसको प्रसन्नता होती है कि हमारे पाप कट रहे हैं। उसको प्रसन्नता होती है कि अच्छा हुआ हमारे पाप कट रहे हैं। इस प्रकार से जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आता है वह मधु ही है, इस प्रकार से विचार किया। उसके बाद कहते हैं अंतिकात, वेद उसको जानता है। अंतिकात ये जीवम आत्मानम मधुवदम इदम, ये सब विशेषण किसके हैं, आत्मा के। जो शरीर धारण करता है जीव बनता है, प्राणादि के कारण मूवमेंट करता है, जो मधुवद है कर्मफल जिसमें जो भोग करता है, उसको अंतिकात वेद निकट से जानता है। यह जो हमारी आत्मा है उसको निकट से जानना, क्या हम निकट से जानते हैं, क्या हम अपने आप को जानते हैं, क्या जानते हैं, हाँ जानते हैं, हम अपने अहंकार को जानते हैं। यह जो अहम अहम बोलता है यह आत्मा ही है, लेकिन यह आत्मा हम अंतिकात से नहीं जानते, निकट से नहीं जानते। इसके भीतर बीच में दो बाधाएं हैं, एक स्थूल बाधा और एक सूक्ष्म बाधा। स्थूल शरीर की, हम स्थूल शरीर से इस आत्मा को आइडेंटिफाई करके मैं करते हैं, या फिर सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न देखते हैं या मन में जो सारे विचार उठते हैं उनके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इस प्रकार से हम अपने आप को जानते हैं। तो ये दो प्रकार का जो जानना हुआ, यह अंतिकात नहीं हुआ, दूर से हुआ, देयर इज ए बाधा है, दोनों के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये शरीर का, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का। इन दोनों को हटाकर जो जानता है, यानी क्लियरली आत्मा को आत्मस्वरूप के रूप में जो जानता है, चैतन्य के रूप में जानता है, और कैसे जानता है, जो ईशानम भूत भव्यस्य, वह क्या है, ईशितारम, कंट्रोलर, शासन करता है किसका, भूतकाल का और भव्यस्य, भूतकाल और भविष्यत्काल, इन काल त्रय का, भूतकाल भविष्यकाल, काल त्रय हो जाएगा, ऑल द बोथ, भूतकाल और वर्तमान काल का इंडिकेशन अर्थ है भूतकाल और भविष्यकाल और वर्तमान, तीनों भूत भव्य एंड भविष्यत, इन तीनों काल को जो जानता है, तीनों काल का जो ईश्वर है, कंट्रोलर, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर जो है वह है। ये कैसे हुआ, जो जीव है आत्मा है वो ईश्वर कैसे हो सकता है, तो एक प्रकार से तो ईश्वर है। हम स्वप्न में क्या करते हैं, हम स्वप्न में एक सृष्टि करते हैं, सृष्टि किसने की, हमने की, और उसका उलय भी कहां हुआ, हम ही में हो गया। तो हम जो जीव, हमारे शरीर, हमारे स्वप्न की सृष्टि स्थिति और प्रलय के तो कारण हमें ही है, ईशान भूत भव्यस्य, पर जागृत अवस्था का हम तो नहीं हो सकते। जागृत अवस्था में जो कुछ दिख रहा है उसके ईशान कौन है। तो इस पर दो बातें कही जाती है, एक तो यह है कि यह जो जगत हमें दिखाई दे रहा है यह हमारी ही सृष्टि, जीव की ही सृष्टि है। मैंने संभवतः आपको कभी बताया होगा कि कुछ शास्त्रों में, पंचदशी इत्यादि में कहा गया है कि दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक तो है ईश सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि,
और दूसरी है जीव सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर ने मिट्टी बनाई, ईश्वर ने पंच तत्व बनाए हैं, और हमने क्या बनाए? हमने कुछ नई चीजें बनाई। ये कुर्सी हमने बनाई, ये मकान हमने बनाया, वो तो ईश की सृष्टि, जीव की सृष्टि हुई। तो ये तो एक प्रकार की सृष्टि हुई। भगवान ने एलिमेंट्स बना दिए, बस हमने उसको मिला मिलू के बहुत सारे नगर बना दिए हैं, हवाई जहाज बना दिया, क्या क्या बना दिया। तो एक तो हम वी आर क्रिएटर्स अवर सेल्व, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ईशान भूत भव्यस्य इस प्रकार से, लेकिन दूसरे प्रकार से भी होता है, और वह है जैसे एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक नर मनुष्य, मैं एक पुरुष बनाया, किसने? ईश्वर ने। और हमने क्या बना दिया? उसको पिता बना दिया, उसको भाई बना दिया, उसको मैनेजर बना दिया, उसको नौकर बनाया, उसको पुत्र बनाया, उसको पिता बनाया, भाई, ये सब रिलेशंस किसने बनाए? हमने बनाए। तो ये क्या है? जीव की सृष्टि। जीव ने बहुत सारी सृष्टि कैसे की? हमने अपने मन में एक कंसेप्ट बनाया और उसको प्रोजेक्ट कर दिया, और ये कंसेप्ट प्रोजेक्शन से ही जगत की सृष्टि होती है। वेदांत में एक मतवाद के अनुसार, अजातवाद के अनुसार कहते हैं कि जगत बाहर है ही नहीं, सब मन में ही है। जो कुछ हम देख रहे हैं, जो हम देखना चाहते हैं, वही देखते हैं। यहां पर रवि रविंद्र जो आए थे उन्होंने लेक्चर में कहा था इस चीज को। उन्होंने कहा था कि जो कुछ हम क्या देखते हैं बाहर, हम जो कुछ देखते हैं वो वस्तुतः वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। वी प्रोजेक्ट अवर वर्ल्ड आउटसाइड बाय अवर माइंड, अवर ओन वर्ल्ड इज अवर ओन प्रोजेक्शन। तो इसमें बहुत बड़ा सत्य है। और योग वशिष्ठ अगर आप पढ़ें, एक बृहद ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, वहां देखेंगे कि वहां केवल यही बात कही गई है कि जो जगत बाहर दिखाई दे रहा है वह सारा का सारा इनटू द फाइनेस्ट डिटेल्स जो है वह केवल मन के द्वारा प्रक्षिप्त ही जगत ही है। हमारे मन के बाहर कोई जगत है ही नहीं। तो इस दृष्टि से यहां कहा गया है कि यह जो आत्मा है, यह भूत भव्यस्य, भूतकाल और भविष्यत्काल और वर्तमान, तीनों कालों का यह क्रिएटर है, ये वो शासन करता है, ईश्वर है। ततः तद विज्ञानात ऊर्ध्वम आत्मानम न विजुगुप्सते न गोपयुतम इच्छति अभय प्राप्तत्वात्। और उसके बाद में यहाँ पर आगे कहते हैं शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कि जो इसे जान लेता है, तीनों कालों का, इस जीव को जो तीनों कालों का क्रिएटर जान लेता है, ठीक ठीक जिसको ज्ञान हो गया है, जैसा अभी हमने कहा, वह ऐसा ज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा का गोपन नहीं करना चाहता। विजुगुप्सते के दो अर्थ होते हैं, गोपन नहीं करना चाहता, और न विजुगुप्सते, किसी से द्वेष नहीं करता। किससे द्वेष करेगा? क्योंकि सब एक ही है, आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए द्वेष नहीं करता। और गोपन नहीं करना चाहता, उसकी रक्षा करना, उसको संभाल कर छिपाने का प्रयत्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि इच्छति अभय प्राप्तत्वात्, उसको अभय प्राप्त हो गया। कठोपनिषद में, ईशावासी उपनिषद में आता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सा नहीं होती, उसको गोपन करने की, रक्षा करने की, संभालने की इच्छा नहीं होती। क्यों? उसको अभय प्राप्त। और क्या अभय कैसे होता है? द्वितीयात्वे भयम् भवति, जब तक हम दो समझते हैं, मैं और दूसरा व्यक्ति है, ये दो वास्ते हैं, तब तक भय रहता है। जहां पर अद्वैत है, सर्वत्र एक ही आत्मा विद्यमान है, जब यह ज्ञान हो गया तब भय नहीं होता, व्यक्ति अभय में प्रतिष्ठित हो जाता है। याज्ञवल्क ने जनक को कहा था,
जनक अभयम वै प्राप्तो से, तुझे अभय प्राप्त हो गया है क्योंकि तुम उस आत्म तत्व को पहचान गए। यावद्धि भय मध्यस्थो अनित्यम आत्मानं मन्यते तावत् गोपयुतम इच्छति आत्मानं। क्या कहते हैं, जब तक भय रहता है, क्या कहा है, क्योंकि जब तक भय के मध्य में स्थित हुआ होता है और अपने को आत्मा को अनित्य समझता है, मैं समझता हूं कि मर जाऊंगा, तब तक उसको रक्षा करने का प्रयत्न करता रहता है। क्या करता है, तावत् गोपयुतम इच्छति, उसकी रक्षा करने की इच्छा करता है आत्मानं अपने को। यदा तु नित्यम अद्वैतम आत्मानं विजानाति, देखिए बहुत सुंदर बात है, लेकिन तू जब जिस समय आत्मा को नित्य अद्वैत जानता है, नित्य और अद्वैत जानता है, तदा किम कह कुतः गोपयितुम इच्छेत, तब कैसे, कौन, किसको, कहां से सुरक्षित रखने की इच्छा करेगा। अपने को वह नित्य अद्वैत समझता है, मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, तब किसी को रक्षा करने की, किसी से घृणा करने की इच्छा नहीं करेगा। हमारा जब, याद रखिए, हम किसी रोगी को, मैं डॉक्टरों जानता हूं, किसी रोगी को छूता हूं तो उसके बाद हाथ धोता हूं, लेकिन मैं अपने शरीर को हाथ लगाता हूं तो हाथ नहीं धोता। मेरे शरीर से जो सिक्रीशंस आते हैं, नाक से, मुंह से, कान से, आंख से जब सिक्रीशंस आते हैं, मैं उसको साफ कर लेता हूं, रुमाल से साफ कर लेता हूं, उससे मुझे कोई घृणा नहीं होती। लेकिन दूसरे व्यक्ति का अगर कुछ हो तो मैं उसको छूना नहीं चाहता। अगर मेरे शरीर में पीप निकल रहा हो तो उसको मैं स्पर्श भले कर लूंगा, उसको मैं निकाल दूंगा, लेकिन दूसरे के शरीर में पीप निकल रहा होगा तो मैं उसको स्पर्श नहीं करना चाहूंगा। यहां पर द्वैत बना हुआ है, वो मुझे, मैं उसको अपना नहीं समझ रहा हूं। एक घटना आती है, संत बिल्व मंगल का नाम आपने सुना होगा, बिल्व मंगल की घटना है या किसी संत की। प्रतिदिन मंदिर जाते थे, श्री कृष्ण का दर्शन होता था। एक दिन जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ गरीब भिखारी पड़े हुए हैं, कोढ़ी, पहले भिखारी हो जाते थे कोढ़ी, अपने कपड़े बंधे हुए हैं घाव में और पीप पीप बह रहा है। उन्होंने देखा और थोड़ा घृणा से दूर निकल गए। जब गए मंदिर में तो भगवान के दर्शन नहीं हुआ। क्या बात है, आज दर्शन क्यों नहीं, कुछ गलती हो गई। लौट कर आए तो देखा कि भगवान के दर्शन हुए, भगवान उन कोढ़ियों के घावों को साफ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, भगवान आप ये कर रहे हैं प्रभु? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं करूंगा, क्या मैं अपने घाव नहीं खुद धोऊंगा? स्वामी विवेकानंद का भी यही भाव था। स्वामी विवेकानंद जहां पर कष्ट होता था तो समझते थे कि स्वयं मेरा ही कष्ट। आप जानते हैं, एक बार रात को सो रहे थे, अचानक करहाने लगे। एक स्वामी विज्ञानानंद जी बाहर सो रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी, करहाने की आवाज उनके कमरे से आ रही थी। देखा रात को 2 बजे करीब, छटपट कर रहे हैं, जाकर देखा क्या हुआ। स्वामी जी ने कहा कि मुझे लगा कि कहीं पर बहुत से लोग कष्ट पा रहे हैं। दूसरे दिन पता चला, ठीक उसी समय फिजी आइलैंड में अर्थक्वेक हुआ था और बहुत से लोग कष्ट पा रहे थे, बहुत से मरे थे और कष्ट पा रहे थे। स्वामी विवेकानंद उसका अनुभव कर सकते थे, क्यों, क्योंकि वह उस अद्वैत आत्मा में प्रतिष्ठित थे। उनको उन्होंने स्पष्ट रूप से जाना था, यह है अंतिकात, आत्मानं वेद अंतिकात, बिल्कुल नियरली एक्चुअल एक्सपीरियंस कि मैं और संसार के समस्त प्राणी एक हैं, यह अद्वैत है। तब अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो वह कौन, किसको, कहां से सुरक्षित रखने की इच्छा करेगा। श्री रामकृष्ण में भी ऐसा था, गले का कैंसर हुआ श्री रामकृष्ण को, और किसी ने कहा कि महाराज गले का कैंसर हुआ है, आप मां से प्रार्थना कीजिए तो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने प्रार्थना की, स्वामी विवेकानंद ने, नरेंद्र थे, उन्होंने उनको प्रॉम्प्ट किया कि महाराज आप प्रार्थना कीजिए मां से
कि वह आपका गले का कैंसर ठीक कर देवे। उन्होंने प्रार्थना की तो परिणाम क्या हुआ? बाद में स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि क्या कहा माँ जगदम्बा ने। श्री रामकृष्ण ने कहा, मैंने कहा उनको कि माँ गले में बड़ा दर्द है, थोड़ा ठीक कर दो जिससे कुछ खा सकूं। ऐसा तो नहीं कह सका कि इसको ठीक कर दो, कैंसर को ठीक कर दो, वो दर्द बहुत होता है, थोड़ा ठीक कर दो जिससे कुछ खा सकूं। तो क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा कि क्या तुम इतने सारे मुंह से नहीं खा रहे हो? तुम सबको दिखा के कहा इतने सारे मुंह से नहीं खा रहे हो। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं मुझे बड़ी लज्जा आई। यहां पर दोनों बातें, श्री रामकृष्ण अद्वैत में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनको एक्चुअली यह अनुभव हुआ कि मैं इतने मुंह से खा रहा हूं, और इसीलिए स्वयं को गोपयितुम न इच्छे, स्वयं की सेवा शुश्रूषा करने की इच्छा उनको नहीं हुई। ये तो उन लोगों ने प्रॉम्प्ट किया, लेकिन माँ जगदम्बा ने कहा यानी क्या? उनको ये एक्सपीरियंस है कि मैं तो संसार के समस्त मुंह से खा रहा हूं, फिर मैं अपनी रक्षा करने का क्यों प्रयत्न करूं? मैं और संसार के सभी प्राणी एक हैं। यह एक्सपीरियंस श्री रामकृष्ण को हुआ था, स्वामी विवेकानंद को हुआ था, और उस दृष्टि से अगर हम देखें तो यह बात, यह जो है वह इतनी अच्छी तरह समझ में आ जाती है। यह निर्भयता, फियरलेसनेस, यह अंतिम फियरलेसनेस केवल आत्मा में प्रतिष्ठित होने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। एतद्वैत इति पूर्ववत, यह जो निश्चय ही यही वह आत्म तत्व है नचिकेता, जिसके बारे में तुमने हमसे पूछा था। इसके आगे चलिए, इसके बाद में 6 से लेकर 9 मंत्र तक उपनिषद के जितने श्लोक हैं उनको मंत्र कहा जाता है। ये जितने मंत्र हैं इनमें विभिन्न प्रकार से उसी आत्म तत्व को बताने का प्रयत्न किया गया है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ माइथोलॉजी के रूप में नाना प्रकार से उसको बताने का प्रयत्न किया गया। दूसरा, एक भी इसमें एक और बात भी बताई गई है कि जो तत्व माइक्रोकॉस्म में है वही मैक्रोकॉस्म में, जो मेरी व्यष्टि में, मेरे शरीर में, इस यह जो है हमारा यह व्यष्टि है, और समष्टि सारा जगत माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म, जो माइक्रोकॉस्म में है वही मैक्रोकॉस्म में है, जो व्यष्टि में है, व्यक्ति में है, वही समष्टि सर्वत्र है, दोनों एक ही प्लान पर बने हुए हैं, और जो आत्मा यहाँ है वही आत्मा बाहर है। यह बात भी भिन्न भिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न किया गया। शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, यह प्रत्यग आत्मेश्वर भावेन निर्दिष्ट स सर्वात्मा इति एतद् दर्शयति। उसे निर्देश किया गया ईशान भूत भव्यस्य, सह वही सर्वात्मा समस्त प्राणियों की आत्मा है। एतद् यही इस मंत्र में, इसके आगे के मंत्र में दिखाई गई है। एक परमात्मा जो अंतर्यामी आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, और वही संसार के समस्त प्राणियों की आत्मा है। यह बात यही है तत्व, सच पूछा जाए, इज द फाइनल ट्रूथ। यह पूर्वम तपसो जातम अभ्यः पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वैत। यहाँ क्या कहा गया है? यह पूर्वम तपसः जातम, जो पूर्व में पहले तप के द्वारा उत्पन्न हुआ, इसकी व्याख्या करेंगे। अब अभ्यः पूर्वम अजायत, अभ्य के, अभ्य यानि पानी, पानी के भी पहले जो उत्पन्न हुआ, तप से उत्पन्न हुआ, जो गुहा प्रविश्य तिष्ठन्तम्, जो हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर रहता है, यो भूते भीर व्यपश्यत, और जो भूतों में, भूत प्राणी, भूत जितने पंचभूत हैं उसमें भी जो प्रविष्ट हो गया रहता है,
जो उसको इस प्रकार से जानता है व्यपश्यत एतद्वैत, वही ब्रह्म है, निश्चय यही वह तत्व है जिसको तुमने पूछा। जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हिरण्यगर्भ को, जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ, भूतों के सहित बुद्धि रूप की गुफा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, तप से उत्पन्न, पूर्व तपसह जातम, तप से कौन उत्पन्न हुआ, याद रखिए सबसे पहले सृष्टि का वर्णन यहाँ पर किया गया। सबसे पहले कुछ नहीं था, ना सदाती न असत आती आसी, नासदी सूक्त में है कि वहां पर न सत था न असत था, कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ, जो ब्रह्म था उसने क्या किया, ब्रह्म तपसा ब्रह्म चीयते, ब्रह्म ने तपस्या की, और तपस्या की तस्य ज्ञानमयम तप, इसमें मुंडक उपनिषद में आता है तप याने क्या, ज्ञान। तप पर मैंने विवेचन कई स्थानों पर किया है पहले भी, दो प्रकार के तप होते हैं। तप का अर्थ है अग्नि, तपाना टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, संयम, ये सब बातें उस तप में आ जाती हैं। तो दो प्रकार के तप, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी हो तो कैसे पैदा होगी, अग्नि पैदा करनी हो तो कैसे होगी, एक आप लेंगे घर्षण करेंगे, दो पत्थर को लेकर जलाएंगे, और पहले जमाने में दो लकड़ी होती थी, अरणियां होती थी, उत्तर अरणी नीचे वाली अरणी अथर अरणी, दोनों को ऐसा घिसते थे, उसमें थोड़ा घास का या कपास रखते थे, जल जाता था, उसको घिसने से स्पार्क निकलता था, उससे कपड़ा जलता था, उसको लेके यज्ञ को जलाते थे, अग्नि जलाते और उससे फिर यज्ञ किया करते। तो एक तो है घर्षण के द्वारा अग्नि पैदा होती, और दूसरा क्या है डायनमो, डायनमो में क्या होता है, एक वस्तु पानी जा रहा है उसको रोक दिया और उसको एक दिशा में डाल दिया, निरोध के द्वारा, रोकने के द्वारा भी अग्नि पैदा होती है। पानी में ट्रिमेंडस पावर है, तो उसको आप एक डायनमो में डाल दीजिए, टर्बाइन में डाल दीजिए, तो तेजी से घूमेगा और उससे अग्नि पैदा हो जाएगी। तो हम जब अभी गए थे इसको देखने के लिए भाखड़ा नंगल, तो लोग कहते हैं कि अरे ये पानी हमको दे रहे हैं, इसकी पानी की अग्नि तो इन लोगों ने निकाल ली, इसमें से जितना स्ट्रेंथ था पावर था उसको तो सारा निकाल लिया, ये तो दूध में से जैसे मक्खन निकाल लें तो दूध में क्या बचा, ऐसा ही दूध है, ऐसा ही पानी हमको दे रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, तो दो प्रकार से जैसे मैंने कहा, एक तो निरोध रूप अग्नि, निरोध से अग्नि पैदा होती, ये तप निरोध रूप तप, संयम रूप तप, वाणी का संयम, शरीर का संयम, मन का संयम, ब्रह्मचर्य, ये सब तप, तप से अग्नि पैदा होती है, तप से एनर्जी पैदा होती है। और दूसरा है ज्ञानमय तप, जिसमें घर्षण, मन को लेकर चिंतन करना, एक तत्व क्या है उसको समझने का प्रयत्न करना, इसको ये दूसरा प्रकार का तप। तो यह जो दूसरे प्रकार का तप है यह ज्ञानमय तप, और इसकी इसका इसकी चर्चा आपको उपनिषद में मिलती है, तैतरीय उपनिषद में भृगु, वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता के पास जाकर पूछते हैं कि मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो वरुण कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, और उसके बाद में स तपो तप्यता, उसने तप किया और तप करके क्या जाना, उन्होंने कहा क्या, वो कहा अन्नम ब्रह्मम व्यजाना, तो अन्न को ब्रह्म के रूप में जाना, उसके बाद प्राण को जाना इत्यादि, ये तप कौन सा है, ये है ज्ञानमय तप। विचार किया, एक स्थान पर बैठकर मंथन किया, एक चर्निंग ऑफ द माइंड इन ए ब्रॉट आउट अ ट्रूथ। तो यहां पर कहा यह पूर्वम तपसह जातम, ये ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तप से,
उत्पन्न हुए। कहते हैं ब्रह्म ने तप किया और उसके बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा ने सारे जगत की उत्पत्ति वो भी तप से की। इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसे एक डायरेक्शन भी मिला और उसको विचार भी मिला और शक्ति भी प्राप्त हुई। ज्ञान और शक्ति दोनों प्राप्त हुई। वो कब हुआ? अद्भय पूर्वम अजायत, पानी के भी पहले, जल के भी पहले, यानी पंच तत्व जो उत्पन्न हुआ उसके पहले भी हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ था तप से। वही भूतों के सहित गुहां प्रविष्ट तिष्ठन्त, वह जो हिरण्यगर्भ है वही शरीर बुद्धि रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर बैठा हुआ है। ये क्या बताया? जो माइक्रोकॉसम में है वही मैक्रोकॉसम में है, जो ब्रह्म, जो हिरण्यगर्भ, जिसने जगत की सृष्टि की है, जो तप से उत्पन्न हुआ, वही परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है। यह बताने का प्रयत्न किया है। क्या है? जिस मुमुक्षु ने पहले तप से यानी ज्ञानादि लक्षण ब्रह्म से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो पूर्व हिरण्य किसकी अपेक्षा पूर्व उत्पन्न हुए, ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं जो जल से पूर्व अर्थात जल सहित पांच तत्वों से न केवल जल से ही पूर्व में उत्पन्न हुआ, उस प्रथम अज प्रथम उत्पन्न हिरण्यगर्भ को देवादि शरीरों को उत्पन्न कर संपूर्ण प्राणियों की गुहा यानी हृदय आकाश में प्रविष्ट हो, उसने क्या किया? वर्णन आता है कि ब्रह्म ने सारे जगत की सृष्टि की, उसके बाद तदेवानुप्राविशत, उसको जगत की मानव शरीर बनाया, उसके बाद में वो घुस गया। जिस ब्रह्म ने समस्त जगत को बनाया वह बनाकर उसके बाद में हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गया है। वही मैंने जो कहा, जो माइक्रोकॉसम में है वही माइक्रोकॉसम में है, जिस ब्रह्म ने जगत की सृष्टि की है वही जगह हमारे प्राण शरीर में प्रविष्ट होकर समस्त इंद्रियों और प्राण इत्यादि में कार्य कर रहा है। या प्राणेन संभवती अदितिर देवता मयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेर भीर विजायत एतद्वेत। अगले श्लोक में क्या कहा है? या प्राणेन संभवती देवता मयी अदिति, जो देवता मयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है, तथा जो बुद्धि रूप गुहा में गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती, बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ उत्पन्न होती है, भूते भीर व्यजायत, जो उसे देखता है निश्चय ही वही तत्व है। यहाँ भी क्या कहा गया? या सर्वदेवतामयी सर्वदेवतात्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण परस्मात् ब्रह्मणा संभवती शब्दादीनाम अदनाद अदितिर। यहाँ पर शब्द अदिति का उपयोग किया गया। अदिति यानी क्या? अदिति का तो वर्णन है, कहते हैं कि दो बहनें थी, दिति और अदिति, प्रजापति की कन्याएं, प्रजापति की पत्नियां। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से देवता उत्पन्न हुए। ये तो मैथोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है उसको बताया है। ये अदिति को कहा गया है, अदिति का अर्थ है लिटरली वन हु ईट्स, जो खाता है, अति अदिति। यहां पर ही हिरण्यगर्भ को ही अदिति कहा, क्योंकि वह समस्त जगत का एंजॉय करने वाला है, भोग करने वाला है। जिस प्रकार से हमारी आत्मा, हम हमारे शरीर की जितने इंद्रिय प्राण इत्यादि है, उनके हम अधिष्ठाता, उनके माध्यम से समस्त भोग करते हैं, पंच इंद्रियों के माध्यम से भोग करते हैं, उसी प्रकार से यह अदिति हिरण्यगर्भ को यहाँ पर अदिति के नाम से कहा, वह भोग करते हैं। तो यहाँ पर शंकराचार्य भी कहते हैं शब्दादि नाम अदनाद अदिति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो विषय हैं,
उनको जो अदन भक्षण करने के कारण उसे अतिथि कहते हैं। सर्व देवता मई सर्व देव स्वरूपा, हिरण्य गर्भ से ही समस्त देवताओं की उत्पत्ति हुई है यह मान्यता है, और यही अदिति है, वही प्राण प्राणेन संभवती, प्राण के रूप में प्रकट होती है। जो हिरण्य गर्भ है वही प्राण के रूप में होती है, और जो विषयों का अदन करती है खाती है, बुद्धि रूप गुफा में प्रविष्ट होकर गुहाम प्रविष्ट तिष्ठती, इस शरीर रूपी बुद्धि रूपी गुहा में जो प्रविष्ट होकर रहती है, हु ड्वेल्स हैविंग एंटर्ड द हार्ट, दैट इज हु नोज हर नोज ब्रह्मन इन डीड। ठीक वही बात कही, जो सर्व देवतामयी अदिति यानी हिरण्यगर्भ वही हमारे भीतर भी है, जो इस चीज को जानता है वह सब कुछ जानता है, वही यह तत्व है जिसके बारे में तुमने पूछा है। अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी ही, दिवे दिव हिज्यो जागृवद्धि हविष्मद्धि मनुष्येभिरग्नि एतद् वेदः। यहाँ पर अगले मंत्र में कहा गया है कि अरण्यो निहितः जात वेदा, अरणी में लकड़ियों में जात वेदा अग्नि ही, आद में अंत में अग्नि आएगा, अग्नि और अरणी मैंने कहा अभी दो लकड़ियां जिनको घिसने से अग्नि निकलती है, उत्तर अरणी और अधः अरणी, नीचे वाली लकड़ी ऊपर वाली लकड़ी, ये दोनों जो अग्नि वो है, दोनों अरणियां, इनमें जातवेदा यानि अग्नि विद्यमान है। जातवेदा एक अग्नि का नाम भी है। वह कैसे है? गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी ही, एक गर्भिणी स्त्री जिसके मन गर्भ में बच्चा हो, जिस प्रकार से उसको भली भांति पोषण करती है, गर्भ को बिल्कुल संभाल कर रखती है, उसी प्रकार अग्नि दो अरुणियों के बीच में स्थित है, दो लकड़ियों के बीच में अग्नि स्थित है, तथा दिवे दिवे इद्यो जागृवत भी हविष्मत भी मनुष्य भी, वो क्या है? मनुष्य भी, मनुष्यों के द्वारा जागृवत भी यानी जो जागृत हैं, प्रमाद रहित हैं, और क्या हविष्मत भी जो होम की सामग्री युक्त है, ऐसे पुरुषों के द्वारा वह दिव दिव ईड्यः यानि प्रतिदिन दिवे दिवे ईड्यः प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है, यही वह ब्रह्म है। अब ये श्लोक अपरेंटली बड़े कठिन है, क्योंकि कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता, उसको यही देखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि जो ब्रह्मांड में है भांड में है वही ब्रह्मांड में, संदर्भ करके ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ कहा गया है कि यो अधियज्ञ उत्तर अधरण्यो निहित स्थितो जातवे अग्नि, ऊपर और नीचे वाली अरणी मैंने अभी कहा, उसमें जो अग्नि निहित है और वही पदार्थ अध्यात्म रूप जातवेता अग्नि है, जो अग्नि लकड़ियों में है वही अग्नि हमारे भीतर है। जिस प्रकार से अब जो अग्नि अरणि में है उससे यज्ञ होता है, यज्ञ पर अपने अग्निहोत्र होता है, हमारे घर में जो खाना बनाते हैं उस अग्नि से बनाते हैं, वही अग्नि मानव के भीतर विद्यमान है, यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पर। वह जो ब्रह्मन है, जो ईश्वर के रूप में ज्ञानी लोग जिसका ध्यान करते हैं, और जो अग्नि मानव हमारे घर में विद्यमान है, वे एक ही हैं। उस अग्नि जो है हमारे घर में वह अग्नि ब्रह्म का रूप ही है, यही बताने का प्रयत्न किया गया। और जिसको एक सिंपल एक एग्जाम्पल के द्वारा कहा गया है
कि जिस प्रकार से गर्भ की सुरक्षा की जाती है उसी प्रकार यज्ञ करने वाले तथा योगी जन उस अग्नि की सुरक्षा करते हैं, उसको पवित्र मानते हैं और घृत होम आदि सामग्री युक्त कर्म पराणय और जागरणशील प्रमाद शून्य याजक और ध्यान भावना युक्त योगियों द्वारा जो यज्ञ और हृदय देश में स्तुति किए जाने योग्य है ऐसी जो अग्नि है वह वही है, वही ब्रह्म है। यानी उस अग्नि को, वो जो ब्रह्म है उसको, अग्नि को यज्ञ के द्वारा, याद रखिए यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया था पहले जमाने में और इस यज्ञ के माध्यम से सब कुछ पाया जा सकता था। कई प्रकार के यज्ञ गीता में तो उसका बहुत सारा वर्णन है, आपको बाहर के यज्ञ भी हैं, आंतर यज्ञ भी हैं और उसके लिए जागृत रहना पड़ेगा, वन हैज टू बी विदाउट एनी प्रमाद, किसी प्रकार का आलस्य न होवे, गलती न होवे, सावधान रहना पड़ेगा और हविष, जो लोग हविष देते हैं उसमें आहुति देनी पड़ेगी। ऐसे मनुष्य लोग उस अग्नि को प्रतिदिन जिसकी उपासना करते हैं वह अग्नि वही ब्रह्म है, यह बात यहाँ पर कही गई। यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पता तदुनात्येति कश्चन एतद्वेतत्। अगले मंत्र में कहा गया है यतः च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गच्छति, जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ पर सूर्य अस्त को अस्त होता है, तम देवाः अर्पिता सर्वे, उसमें वही संपूर्ण देवता वही अर्पित हैं। तद उ न अत्येति कश्चन, उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। एतत् वेतत्। यहाँ पर उसे दूसरे प्रकार से कहा, जैसा मैंने कहा नाना प्रकार से उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को समझाने का प्रयत्न करते हैं। क्या है? यतः च, जहां से प्राणात्, यहाँ पर शंकराचार्य व्याख्या करते हैं कि प्राणात्मा से, जिस प्राणात् से उदेति उत्तिष्ठति सूर्यः, जिस प्राण से नित्य प्रति सूर्य उदित होता है और जिस प्राण में ही वह नित्य प्रति अस्त भाव को प्राप्त करता है, उस प्राणात्मा में स्थिति के समय अग्नि आदि अधिदेव और वागादि अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार अर्पित हैं, प्रविष्ट किए गए हैं जैसे रथ की नाभि में समस्त आरे। जहां से सूर्य उत्पन्न होता है जहां अस्त को प्राप्त होता है। कहां से सूर्य हुआ उत्पन्न? ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म को प्राप्त हुआ। और यहाँ शंकराचार्य कहते हैं हमारे भीतर भी सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, प्राण से उदित होता है और प्राण में समाप्त होता है। और यहाँ पर वो कहते हैं अग्नि आदि अधिदेव और वागादि अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार अर्पित हैं, सर्वे देवा अर्पिताः। देवता यानी क्या? द्युशील, द्युतनशील, जो हमारे जितनी शक्तियां हैं उसके कंट्रोलर। इंद्र को कहते हैं अपने बादलों का देवता, वर्षा का देवता, अग्नि जो है अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, ये सब देवता जो क्या है, ये नेचुरल फोर्सेस के कंट्रोलर्स। ये देवता हमारे शरीर में भी हैं। इंद्र जो है वो हाथ का अधिकारी, इस प्रकार से नेत्रों का एक देवता है, अग्नि जो है वो नेत्रों का देवता है, शायद मैं एक्सैक्टली बोल नहीं पाऊंगा आपको। हमारे शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं उनके अपने अपने देवता हैं। ये देवता बाहर भी हैं, ये देवता अंदर भी हैं। सर्वे देवता तम अर्पिता, उसमें अर्पित हैं, यानी प्रविष्ट किए गए हैं, उसमें लगे हुए हैं, कंट्रोल्ड हैं, उसमें यूनाइटेड। तो बाह्य जगत में जहां सूर्य उत्पन्न होता है, सूर्य अस्त होता है, वह सब ब्रह्म एक ही है। जितने देवता वहां पर अर्पित हैं, यानी इंद्र, वरुण, अग्नि इत्यादि जो हैं,
उसमें अर्पित हैं, उसी के सेंटर में जैसे आरी ना, जैसे एक अर्पिता एक पहिए में के स्पोक्स जो है उसके एक सेंटर में लगे रहते हैं, उससे सब स्पोक्स निकले हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ये अधिदेव और अध्यात्म, इन दोनों में एक ही सिचुएशन है। वो क्या सिचुएशन है कि वह हमारे यहाँ पर आत्मा में अर्पित है और बाहर ब्रह्म में अर्पित है। यह जो है प्रविष्ट है, ये वह प्राण ही भी ब्रह्म ही है, यही सर्वात्मक ब्रह्म। वही बात कह रहे हैं, पुनः दूसरे प्रकार से कहते हैं, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, न अत्येति, अतिक्रमण कोई नहीं करता। उस ब्रह्म के साथ तादात्म्य भाव करके कोई भी उससे अन्यत्व को प्राप्त नहीं होता, यही व्यक्ति अतिक्रमण नहीं करता। यानी क्या कि जो व्यक्ति उस ब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में वो किसी दूसरे व्यक्ति को, वस्तु को अपने से भिन्न नहीं समझता। दैट इज दैट अतिक्रमण करना, यानी हम किसी व्यक्ति के आगे चले गए। रेस में दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, एक ने दूसरे को ओवरटेक किया। वो न अर्पिता तद वो न अत्येति, वो किसी को ओवरटेक नहीं करता, किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सभी एक ही हैं। ब्रह्म के साथ तादात्म्य भाव होने पर अन्यत्व नहीं है, देर इज नो डिफरेंट, देर इज नो वन एल्स। तो किसको अतिक्रमण करेगा, किसको पार करेगा, किसको हराएगा? किसी को नहीं हराएगा। सर्वत्र एक ही ब्रह्म विद्यमान है, ऐसा वो जानता है, और इस प्रकार से वह पूर्ण रूप से ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही वह ब्रह्म है, एतत् वैतत्। यहाँ पर इस प्रकार से बार बार इन चार मंत्रों में विभिन्न प्रकार से यह बताने का प्रयत्न किया कि जो आत्मा हमारे भीतर है, जो हमारे सारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल कर रही है, और जो ब्रह्म बाहर है, जो संसार के समस्त प्राणियों को, समस्त क्रियाकलाप को कंट्रोल कर रहा है, वह दोनों ब्रह्म एक ही है। उसके बाद में अंत में आगे कुछ श्लोकों में, दो श्लोकों में उसको लगभग कंक्लूड करते हुए कहते हैं, यदे वेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योसु मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसको बाद में दूसरा भी है, मृत्योसु मृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति। दूसरे श्लोक में भी है, मनसे वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्योसु मृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति। दो श्लोकों में क्या कहा गया है, जो भेद बुद्धि है उसकी निंदा की गई। जो भेद, मैं भिन्न हूँ वह भिन्न है, जगत और मेरे और जगत में भिन्नता, प्राणी प्राणी में भिन्नता, उस भेद बुद्धि की निंदा की गई है। यद एव इह जो यहाँ है, तद अमूत्र वह वहाँ है, यद अमूत्र जो वहाँ पर है, तद अनु इह वह यहाँ पर है, जो सब सह मृत्यो हो मृत्यु मापनोती वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, जो यहाँ पर नाना इव देखती भिन्नता को, नाना वस्तुओं को देखता है, जो उस तत्व यानी इस देहा देहेन्द्रिय संघात में भासता है, यह इह तत्व इह यानी देहादि संघात इस माइक्रोकॉसम में जो भासता है, वही अन्यत्र बाहर भी है, जो अन्यत्र है वह यहाँ पर भी है। जो मनुष्य इस तत्व को में जो नानात्व देखता है, सब जो यह जो यहाँ पर इस जगत में नानात्व डिफरेंसेस देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त है। दूसरे श्लोक में क्या कहा गया, प्राग एकत्व विज्ञानात आचार्य आगम संस्कृतेन, एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार्य और शास्त्र से संस्कृत युक्त हो, संस्कार युक्त होकर क्या करना है, मनसे वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, मनसा एव मन के द्वारा ही, मनसा एव इदम आप्तव्यम
मन के द्वारा ही इस तत्व को प्राप्त करना चाहिए, करने योग्य है। क्यों? न इह ना नाना अस्ति किंचन, यहाँ नाना कुछ नहीं है, वैरायटी कुछ नहीं है, डिफरेंट कुछ नहीं है, ब्रह्म तत्व में नाना वस्तुएं कुछ नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व को देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त। इन दोनों श्लोक में क्या कहा गया है? कोई भेद बुद्धि की निंदा। पहले में क्या कहा है? यह कार्य कारण उपाधि समन्वित संसार धर्मवत अवभासमान अविवेकी लोगों को जो यह संसार धर्म से युक्त मानव शरीर दिखाई दे रहा है, देहादि रूप जो है उपाधियों से युक्त, उपाधि कैसी? मैं ऊंचा पूरा हूँ, मेरा इतना वेट है, 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, मैं गोरा हूँ, पीला हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, बुद्धिमान हूँ, ये सारी उपाधि। उपाधि कपड़े पहने तो उपाधि बन गई, हमने एक एप्रन पहन लिया तो डॉक्टर बन गए, गेरवा कपड़ा पहन लिया तो सन्यासी बन गए, एक गाउन पहन लिया, स्पेशल गाउन पहन लिया तो वो कुछ बन गए, गवर्नर बन गए, विग पहन लिया तो जज बन गए। ये उपाधियां हैं। ये एक मामा पहले शरीर रूपी उपाधि, उसके बाद में और भी बहुत सारी उपाधि। ये उपाधि जो है, ये इनसे युक्त जो जीव है, बेसिक क्या है? कारण कार्य कारण उपाधि। हमारा शरीर मन प्राण युक्त जो चीजें हैं ये उपाधियां हैं। यह देह इंद्रिय, देह और इंद्रियां, बॉडी और इंद्रिय, इन उपाधि से युक्त होकर जो संसार धर्म रूप कर रहा है, मैं संसार के कर्म कर रहा है, ऐसा जैसा जो दिखाई दे रहा है उसको इह कहा गया। यानी माइक्रोकॉस्म में जो आत्मा के ऊपर हमने इतनी उपाधि डालकर जो संसारी कर्म इत्यादि कर रहा है वह जीव, वह उसको इह यानी यह कहा। इसमें जो स्थित है, यद इह जो है यहाँ पर ब्रह्म या आत्मा है, वह कैसा है? शंकराचार्य कहते हैं, नित्य विज्ञान घन स्वरूप संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है। नित्य है, कॉन्स्टेंट है, विज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, और सर्व संसार धर्म वर्जित है, इन सब से वर्जित है, सब धर्म नहीं है। तो अमूत्र और उधर कौन? जो परमात्मा परमात्म भाव से प्रतिष्ठित है, वही इस लोक में नाम रूप एवं कार्य कारण रूप उपाधि के अनुरूप भासने वाला आत्म तत्व है। यह और अमूत्र दूसरे जगह कह सकते हैं मैक्रोकॉस्म। अहम ब्रह्म तत् तत्त्वम, जो परमात्मा जगत सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, और जो अल्पज्ञ है अल्पशक्तिमान है, दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्यों? उपाधियों को हटा दीजिए। ये संसार की नाना उपाधियों को अगर आप विचार करके हटा देवे, उनसे अपने को पृथक कर लेवे, तो यह आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे। जो पुरुष उपाधि और स्वभाव भेद दृष्टि से अविद्या से मोहित होकर जो नाना रूप देखता है, डिफरेंसेस, यह जो व्यक्ति यह नाना इव देखती, क्यों देखता है कि अरे इसमें यह मनुष्य तो है, ये तो लूला लंगड़ा है, ये तो जवान है, ये अच्छा है, वो बुद्धिमान है, ये बुद्धिहीन है, ये धनी है, ये निर्धन है, ये नाना डिफरेंसेस जो व्यक्ति देखता है, क्यों? अविद्या के कारण। जो देखता है वह मोहित, शंकराचार्य कहते हैं अविद्या से मोहित होकर इस अभिन्न भूत एक रूप ब्रह्म में मैं परमात्मा से भिन्न हूं और परमात्मा मुझसे भिन्न है, एक भिन्नता यह, दूसरी भिन्नता मैं जगत से भिन्न हूं, जगत मुझसे भिन्न है, और तीसरी भिन्नता यह जीव और मैं जीव, यह प्राणी और मैं प्राणी भिन्न हूं, ये तीन प्रकार की भिन्नता भेद।
परमात्मा से मैं भिन्न हूँ, पहला। दूसरे प्राणियों से मैं भिन्न हूँ, दूसरा। और जगत से मैं भिन्न हूँ। ये भिन्नता जो व्यक्ति देखता है, वह देखने वाला मृत्यु से मृत्यु को बार बार प्राप्त होता है, बार बार जन्म ग्रहण करता है, बार बार मरण प्राप्त। मृत्यु से मृत्यु ये एक फ्रेज है जो सर्वत्र आती है, तो न वो कैसे है ना कि आत्महनोजना, आत्मा के हनन करने वाले, ये कैसे बार बार क्यों है सब कहा गया। अगर आपने आत्म तत्व को नहीं जाना तो इस बार जन्म लिया, अगली बार पुनः जन्म लेंगे, और जब जन्म लेंगे तो मरेंगे भी। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी बारंबार जन्म मरण के भाव को प्राप्त हो जाता है। तस्मात यथा न प्रश्ये, उस प्रकार इसलिए भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अपने को और परमात्मा से भेद न रखो, जीव जीव से भेद न रखो। विज्ञान एक रसम नैरंतरेण आकाशवत् परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम अस्मि इति पश्चेत् इति वाक्य। इसका अर्थ क्या है, शंकराचार्य उसको कंक्लूड करते हुए कहते हैं, मैं निर्बाध रूप से आकाश के समान परिपूर्ण हूँ, विज्ञान एक रस घन स्वरूप ब्रह्म हूँ। वन कंटीन्यूअस होल, जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान है, इस लकड़ी में भी आकाश स्पेस के रूप में तो विद्यमान है, मुझ में भी आकाश विद्यमान है, आकाश में कहीं भेद नहीं है, उसी प्रकार मैं भी आकाशवत हूँ। यह इस प्रकार देखे, वी मस्ट सी लाइक दिस, अदरवाइज विल बी बॉर्न एंड रीबॉर्न अगेन एंड विल डाई एंड रीबॉर्न अगेन। इस श्लोक का यह अर्थ ना आसान नहीं है, इसीलिए कहते हैं प्राग एकत्व विज्ञान। इसके एकत्व विज्ञान के पहले क्या करना, अभी तो नहीं है हमें, उस विज्ञान के पहले हमें क्या करना है, आचार्यगम संस्कृतेन, आचार्य के जाना पड़ेगा, आगम यानी शास्त्र के पास जाना पड़ेगा, आचार्य और शास्त्र के पास जाकर और संस्कार युक्त होना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तब मनसा एव इदम आप्तव्यम। ये 11वां श्लोक ले रहे हैं, मन के द्वारा ही उसे प्राप्त करना है। न इह न नानास्ति किंचन, इस ब्रह्म तत्व में नाना और कुछ नहीं है, यह ज्ञान के द्वारा, मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा प्राप्त होगा। मनसा एव इदम ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम, ये ब्रह्म का एकत्व का भाव जो कहा, उसको मन के द्वारा प्राप्त करना है। आत्मा एव न अन्यदस्ति इति, जो ब्रह्म है वही आत्मा है और कुछ नहीं है। न नाना अस्ति, डिफरेंस नहीं है, ब्रह्म और आत्मा में डिफरेंस नहीं है, परमात्मा और आत्मा में डिफरेंस नहीं है, बड़ा मुश्किल है। श्री राम कृष्ण कहते थे ये ज्ञान आसानी से प्राप्त नहीं होता, इसके बदले एक काम कर सकते हैं हम भगवान के साथ से संबंध बना ले। और तीन लेवल हैं इसके, पहला जो उच्चतम है, मैं और ब्रह्म एक हैं, यह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत जो यहां पर कहा गया, नानात्व नहीं, डिफरेंसेस नहीं। उससे लोअर लेवल पे आप कहिए, जिसे विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत, जिसमें हम परमात्मा होल हैं, हम उनके पार्ट्स हैं, परमात्मा सर्वव्यापी सर्वत्र पूर्ण है, हम उनके अंश हैं, वह है होल, हम उनके पार्ट। जैसे इस शरीर के उंगलियां हैं, बाल हैं, सेल्स हैं, इस शरीर में इतने डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसी प्रकार से यह ब्रह्म है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम उसके पार्ट्स। ये भी एक प्रकार का एक वननेस। यह भी संभव न होवे तो भगवान के साथ संबंध बना लिया जाए, भगवान स्वामी है, हम दास हैं, लेकिन संसार जैसा संबंध नहीं, सम सॉर्ट ऑफ ए रिलेशनशिप विद गॉड, वी स्टार्ट विद दिस, प्रारंभ करते हैं भगवान को स्वामी या पिता बनाया, अपने को पुत्र बनाया, भगवान को माँ बनाया, अपने को पुत्र बनाया, और एक संबंध स्थापित किया। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाते हैं तो अंत में दोनों एक हो जाते हैं।
तो जो भी हो, यहाँ पर जो भेद दृष्टि है उसकी यहाँ पर निंदा की गई। कहते हैं न नाना अस्ति किंचन, कहते हैं कि मन के द्वारा यह प्रप्त ब्रह्म को जानो, सब कुछ ब्रह्म ही है। नानात्व प्रत्युपस्थिकाय काया अविद्याया निवृत्तत्वाद यह ब्रह्मणि नाना न अस्ति किंचन अनुमात्रमपि, जरा सा भी भेद नहीं है, यह करना है। यस्तु पुनः अविद्या तिमिर दृष्टिम न मुंचति, जो अविद्या के अंधकार रूपी आंख के सामने अंधकार आ गया, ऐसी दृष्टि जो नहीं छोड़कर और नाना पश्यति, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह है कि स्वल्पमपि भेदम अध्यारोपयन इत्यर्थ है, जरा सा भी अगर भेद हम देखें तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। भक्त लोग ये नहीं मानते, भक्त कहते हैं अगर मरेंगे भगवान के भक्त बन के भगवाएंगे, मैं वैकुंठ में जाएंगे भगवान के साथ रहेंगे, वहां भेद नहीं। उस दूसरे प्रकार से इस बात को कही गई। तो यहां पर हमने संक्षेप में ये 5-6 श्लोक जो थे उनको हमने कर डाला है, क्योंकि उसमें मुख्य बात यही है कि जो माइक्रोकॉसम में है वह मैक्रोकॉसम में है, जो हमारी आत्मा है वही परमात्मा है, यह बात बार बार विभिन्न प्रकार से यहाँ पर कही गई। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ